जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, ओआरओपी को लेकर मैं आपके सामने एक लिस्ट लेकर आया हूं और ये लिस्ट उन लोगों की है जो डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं। देखिए, मैं लिस्ट आपको जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाना देना चाहता हूँ। ये लिस्ट है मेरे पास में जो ओआरओपी टू की डिसेबिलिटी पेंशन वालों की आई है और लेके ये हमारे सिपाही से लेके और हमारे सूबेदार मेजर तक सभी रैंकों की लिस्ट मेरे पास है। ये क्योंकि दोस्तों, जिस दिन से ओआरओपी के ऊपर जो हमारा कैबिनेट अप्रूवल मिला है और एक एरिया लिस्ट जारी हुई है, उस दिन से काफ़ी वीडियो इसके बारे में आ गए हैं और ये बता रहे हैं एरियर कितना मिलेगा। लेकिन किसी ने भी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में आज तक नहीं बताया है कि एक सिपाही को डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बढ़ेगी और उसका टोटल एरियर कितना बनेगा। हमारा चाहे उसमें एक सिपाही हो, नया होलदार हो या हमारे सूबेदार मेजर साहब हों, किसी भी रैंक का कुछ नहीं बताया गया उसमें। तो दोस्तों, आप लोगों के सभी के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कोई वीडियो बनाओ, डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिलेगा, कितना बढ़ेगा, उनको कितना एरियर मिलेगा। तो साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ, उनका कितना एरियर बनेगा और पर मंथ कितना उनका इंक्रीज हो गया, टोटल एरियर उनका कितना बनेगा। तो आप सभी लोगों के डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, डिसेबिलिटी पेंशन जिन लोगों की डिसेबिलिटी 20% से लेकर 50% तक है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन कितना बढ़ेगा और उनका एरियर टोटल कितना बनेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को सिपाही रैंक का। तो जैसे हमारा सिपाही रैंक है जिसका एरियर जो है 87,000 रुपये बताया गया है हमारी जो कैबिनेट अप्रूवल में जो लिस्ट जारी करी गई थी रिविजन टेबल, उसमें हमारे सिपाही का एरियर जो था 87,000 था। और जो हमारा एक सिपाही जिसकी डिसेबिलिटी 20 से 50% तक होती है, उसका जो एरियर कितना बनेगा, तो साथियों डिसेबिलिटी वाले का हमारा बनेगा 43,500 एरियर बनेगा 50% डिसेबिलिटी वाले सिपाही का। और कुल मिला के उसका सर्विस पेंशन का एरियर प्लस डिसेबिलिटी का एरियर जो मिला के बनेगा 1,30,500 रुपये मिलेंगे हमारे एक सिपाही को। और अभी अगला रैंक है दोस्तों नायक का, और नायक का दिखाया गया था दोस्तों हमारे जो एरियर लिस्ट थी उसमें 1,14,000 रुपये। तो इसमें जो भी नायक हमारे आए हैं 20 से 50% डिसेबिलिटी लेकर, जिनका डिसेबिलिटी एलिमेंट 20 से 50% है, तो उनको 57,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर मिलेगा दोस्तों। तो साथियों, इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इस चीज़ को, हमारा सर्विस पेंशन का एरियर प्लस डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर कुल मिला के 1,71,000 रुपये बन जाता है। तो इस तरह से हमारा जो भी एक नायक है 50% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ आया, 20 से लेकर 50% तक डिसेबिलिटी पेंशन के साथ आया है, उसको 1,71,000 रुपये का एरियर मिलेगा दोस्तों। अगला रैंक ले लेते हैं दोस्तों हवलदार रैंक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे कि हमारा एक हवलदार रैंक है और जिसका हमारा एरियर दिखाया गया था 70,000 रुपये, और जो हवलदार हमारे डिसेबिलिटी पेंशन से आए हैं जिसकी 20 से लेकर 50% तक डिसेबिलिटी है, तो उनका एरियर बनेगा दोस्तों 35,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन का। और कुल मिला के टोटल एरियर जो बनेगा इनका सर्विस पेंशन का एरियर प्लस डिसेबिलिटी का एरियर, दोनों सर्विस प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिला के इनका बनता है 1,05,000 रुपये। यानी कि हवलदार को मिलेंगे 1,05,000 रुपये एरियर के, जिसकी डिसेबिलिटी 20 से 50% तक है उनको। आगे दोस्तों, नायक सूबेदार की बात करूं दोस्तों, तो हमारे नायक सूबेदार का जो एरियर है 1,08,000 रुपये दिखाया गया है जो हमारी एरियर लिस्ट जारी हुई है रिविजन एरियर लिस्ट। लेकिन जो हमारे नायक सूबेदार 20 से 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ आए हैं, तो उनका 54,000 रुपये डिसेबिलिटी एलिमेंट का एरियर बनता है और 1,08,000 रुपये बनेगा इनका सर्विस पेंशन का एरियर। कुल मिला के 1,62,000 इनका एरियर बनेगा इसमें। अभी दोस्तों, मैं आपको बताऊं सूबेदार मेजर का, तो साथियों सूबेदार मेजर का जो एरियर दिखाया गया था 1,75,000 था, लेकिन साथियों इसमें इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो एरियर है ये 87,500 रुपये, और यह 50% डिसेबिलिटी वालों का, जिनका 20 से लेकर 50% तक डिसेबिलिटी एलिमेंट है उनके लिए ये एरियर है 87,500। तो कुल मिला के 1,75,000 सर्विस पेंशन का एरियर प्लस 87,500 इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट का एरियर।
तो कुल मिलाकर इस प्रकार से दोस्तों 2,62,000 रुपये इसमें बनता है। जो डिसबिलिटी पेंशन आए हैं जिनकी डिसबिलिटी एलिमेंट है 20 से लेकर 50% तक साथियों, तो साथियों अलग अलग रैंक का मैंने आपको बता दिया है, और ये डिसबिलिटी एलिमेंट तो आपके 20 से 50% तक का मैंने आपको बताया है, जिन लोगों को 20 से 50% तक मिला है उनका। और ये जो आप लोगों का एरियर है ये 1 जुलाई 2019 से लेके और 2 जुलाई 2022 तक का एरियर है कुल मिला के। और साथियों आप लोगों के अनुरोध पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो 75% डिसबिलिटी के साथ आए हैं, ऑल रैंक्स 75% डिसबिलिटी एलिमेंट के साथ आए हैं, उनका कितना एरियर बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।